उनका सफर इस गेम में यहाँ पे खत्म हो गया। आज का दिन मेरे ख्याल से बाकी टीम से खास नहीं रहा है, अभी भी 10 टीम बची हैं, 35 प्लेयर बचे हैं, 20 मिनट ऑलरेडी गेम के अंदर हो चुके हैं। चलिए आप देख रहे सीरियसनेस कितनी है गेम में, ये बहुत सीरियसनेस है क्रैट। और यहाँ पे मिली भी तो MK14, अब कोई लेना नहीं चाहेगा अभी क्योंकि इतना ज्यादा क्रूशियल हो चुका है। सर्कल देखिए बिल्कुल बिल्कुल रिज पे आ रहा है, उस कोने पे और इस कोने पे, तो दोनों टीमों को, अरे 6 नंबर की टीम, 5 नंबर की टीम, 12 नंबर की टीम, 7 नंबर की टीम, इन सबको अंदर घुसना है। और बात कर रहे हैं यहाँ पे इविल के जो प्लेयर हैं, जो पिछली बारी इविल बिग फेलास जीते थे, मगर उनको पता नहीं है वो कौन सी मुसीबत के बीच में जा रहे हैं और सबके बीच में घुसते हुए, और ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है उनके लिए। मगर हाइड्रा के भीष्मा, इस बार हाइड्रा के पास भी एक काम बन सकता है, अभी 3 प्लेयर उनके जीवित हैं और सर्कल के अंदर यहाँ पे खड़े हुए हैं मगर पोजीशन बना के, मगर व्हाइट वहीं पे खड़े हुए कारल की गोलियां चला रहे भीष्मा, मगर इतना ज्यादा एम नहीं कर पा रहे प्रिसाइज क्योंकि काफी लॉन्ग रेंज है और सामने वाले प्लेयर्स भी बिल्कुल ना इंस्टेंटली मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आईएनडी की तरफ नजर फेरे तो उन्होंने एक ट्रक पर ही अपने पूरा कैंप कर लिया है, बट जो एंटिटी के एक्सटेंड्स हैं और एंटिटी का स्क्वाड बिल्कुल स्क्वाड उसके नीचे है, अगर सर्कल थोड़ा सा भी टेढ़ा कटा ये सीधा नहीं चढ़ पाएंगे ऊपर, इनको काफी मुश्किल हो सकती है। एंड मीनवाइल आर जस्ट लुकिंग फॉर अदर टीम्स, मैट काफी 1.5-2 घंटा हो गया है। ये क्रैट मिनी मैप पे देखिए ब्रिज ऐसा लग रहा है जैसे मेला लगा हो ना, कोई चूड़ियां लगा के बैठा है, कोई गेम लगा के बैठा है। ये गेम खराब करने वाली बात है चाली, 8 मिनट कुछ और पोजीशन लेकर अपने हील कर सकती थी, बट मीनवाइल व्हाट आई कैन सी इविल के प्लेयर, जहां तक है अभी जो बाकी की टीम है ओआरबी उनके लिए काफी मुश्किल है। मेगा कान यहाँ पे पिक ऑफ हो गया है ओआरबी के किंग, अचानक से जो 4 प्लेयर जिंदा थे ओआरबी के ताश के पत्तों की तरह बिखर गया चाली। और नियो ने यहाँ पे इविल के शार्कों को, और मगर यहाँ पे नियो भी नॉकआउट होते हुए ड्रीम एज करेंगे रौनक को, और प्ले जोन से वहां पे स्मोक थी, स्मोकी काफी ज्यादा डैमेज लेते हुए मैगजीन लेके वहां पे इविल शार को, और दिलजीत ने मैट भाई को सीधा ठोका है और बिल्कुल खरपच्चे उड़ा दिए उनके सर के। मैगजीन यहां पे अपनी मैगजीन का गोली चलाते हुए ओआरबी के किंग यहां पे गेम छोड़ के जाते हुए जेमटी गोलियां निकालते हुए व्हाइट वहां पे गोली चला रहे काफी ज्यादा, मगर 8 बिट के टेड उनको दिखे हैं और आइदर ये अंदर नहीं आने दे रहे उनको, और साथ ही साथ वहां पे 8 बिट के टेड को निकाल फेंका है बाहर, और अब फिर से 47 गोलियों के साथ रीलोड करके फिर से दोबारा खड़े हो जाएंगे। भीष्मा उनके सर पे खड़े हैं, क्या लग रहा है भीष्म पितामह जिनको वरदान मिला था अपने आप, गंगा पुत्र भीष्म, मतलब इनका हाँ। था कि अपनी मौत चाली, हमें कल पिछली बारी तो महफिल में हमने डिस्कशन आने मुझे ज्ञान दिया था वेदों का, तो मैं तो धन्यवाद रखता हूँ, बट हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। टीम नंबर 6 टीम नंबर उसके साथ भी कार्टून भी छुपे हुए हैं, एंड दे कांट डू एनीथिंग बिकॉज पानी के अंदर गन नहीं निकाल सकते, दे आर जस्ट हैविंग फन। ये हमने पहले भी देखा था चाली, एक पहले टूर्नामेंट चल गया था जिसके अंदर हमारे त्रिलोक भाई साहब थे जो बिल्कुल दहशत में गेम खेला करते थे। और दूसरी तरफ जाए इविल के अगर बात करें, अगर जेमटी दोबारा से निकाल पाते हैं बैक टू बैक, अगर 2 चिकन डिनर निकाल पाए, क्योंकि अगर सर्कल थोड़ा सा लैंड की तरफ आता है तो एंटिटी गेमिंग या इविल की साइड को, दोनों में से जिसकी तरफ जाएगा उसको ज्यादा फायदा होगा, और जिसको दूसरी तरफ कुछ करना होगा उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा कुछ करना। मगर यहाँ पे बड़ी अच्छी विजन और जोकर के पास बहुत बड़ा खेल बनाने का कोशिश हो सकती है, गोलियां चला रहे हैं यहाँ पे और पता नहीं लग रहा कहाँ से गोलियां आ रही है। आईएनडी फाइनली स्पॉट आउट करती हुई, स्काउट देख रहे हैं वहां पर और अब पीक करते हुए, मगर वहां पे एंटिटी गेमिंग एक्सटेंस रौनक को नॉकआउट करते हुए दिलजीत पाजी कार 98 के साथ अपना करता हूं। 100 गोलियां मारी चाली, 100, हाँ जी, और वहां से बस एक ही आया, कहते हैं 100 लोहार 100 सोनार की 1 लोहार की, जी बिल्कुल चांटे के अंदर जोकर का पूरा जो M16 का 4X आना वो तोड़ दिया। ये क्रैट के सर्कल ही बड़ा अटपटा सा है और मेरे को लग रहा है इसके बाद सबको हाजवे वाली गोली खानी पड़ेगी। स्काउट ओपी यहाँ पे ओपी नाम लगाया हुआ है साथ ही साथ, और वैसे ही कुछ करके दिखा रहे हैं, मगर वहां पे ये पानी के अंदर जो मछलियां तैर रही हैं ये पानी के बाहर आएंगी तो छटपटा के इनको मार देंगे, और पानी के अंदर तैरती रहेंगी तो भी जो फेफड़े हैं सांस लेना बंद कर देंगे, तो ये दोनों तरफ से है। और ये देखिए इसके बीचों बीच ये ड्रॉप गिर रही है क्रैट ललचाने के लिए, और ये ड्रॉप आती हुई और ये ड्रॉप के ऊपर हम देख रहे हैं वहां पर वो सुंदर सी थी, उसके अंदर मेरे ख्याल से ग्रोधा या ऑक थी, फटाफट कैमरा स्विच हो गया, बट यहाँ पे पानी के अंदर गोते लगाते हुए देखिए कार्टून और वो दोनों गप्पे मार रहे एक दूसरे के साथ, और मेरे ख्याल से वहां पे अगर हम प्लेयर कैमरा करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हेलो हैंडशेक कर रहे होंगे, पता है कि यहाँ से कहीं जा तो सकते नहीं तो साथ में डूब के मरेंगे। और पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप यूटिलिटी भी कोई यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू जस्ट स्विम अराउंड। दूसरी बार तमाचा पे तमाचा हाइड्रा की जोकर को दूसरी बार यहाँ पे दलजीत ने एक करारा जवाब देके गेम से मार किया। अब ETG के जो एक्सचेंज है नाउ इज ट्राइंग हिज बेस्ट की ऊपर से जो नो मर्सी जो हमारा क्लैन है आईएनडी का उनको परेशान कर सके, बट याद रखिएगा आईएनडी क्लैन के पास एक प्लेयर है जिसका तोड़ होना बहुत जरूरी, वो है दलजीत। दलजीत की अगर कार 98 का आप शिकार बन गए तो ट्रस्ट मी
वो आपको रिग्रेट करा के ही जान लेगा। और क्रैट मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे टीम आईएनडी के पास है और दूसरा एंटिटी गेमिंग के पास, क्योंकि ये दोनों एक सतह पे खड़े हैं और सबसे ज्यादा मेरे को फायदा लग रहा है यहाँ पे आईएनडी के पास ये, क्योंकि जहाँ पे ब्रिज पे खड़े हैं एंड में अगर हम उस सर्कल पे भी आते हैं जहाँ पे पूरा सर्कल क्लोज होगा। अब देखिए सर्कल कैसे गया है, ये सर्कल थोड़ा सा पानी के अंदर जाता है और जो ब्रिज के ऊपर है उनको बिल्कुल फायदा है, क्योंकि जो ब्रिज के नीचे उतर के ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर जाने के लिए पहले आईएनडी ने ताक लगा के बैठे हैं और आईएनडी बिल्कुल अच्छा गेम प्ले बनाते हो। मेरे को लगता है आईएनडी के लिए खतरा बन सकते हैं वहां से हाइड्रा, और हाइड्रा वहां पे अगर शॉट लेती है उनके ऊपर, मगर वो एंटिटी गेमिंग के ऊपर थोड़ी सी ताक लगा के बैठे और यहां पे ग्रेनेड को किया, देखा कि एक्सटेंस वहां पर है और एक ग्रेनेड सीधा जाके जब फटेगा तो बड़ा ही ज्यादा डैमेज देने वाला है। ओ कनेक्ट नहीं हुआ और ये मेरे को लग रहा है स्मोक करके मूव करना चाहते हैं थोड़ा सा। 19 प्लेयर जीवित है, 7 टीमें शेष बची है गेम के अंदर, आज के दिन की आखिरी गेम, गेम नंबर 6 जो हम देख रहे हैं डे 1 की, और कल दोबारा से 6 गेमें होंगी। बट उससे पहले दिलजीत पाजी कार 98 से दोबारा से सुनहरा प्रयास, और यहाँ पर अब इनका पूरा वेस्ट खत्म हो चुका है क्रैट, अगर इनके धड़ पे गोली लगती है तो बहुत ज्यादा डैमेज होने वाला इनको। चाली जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वो इंसान है जो सीधा मस्तिष्क पे गोली देने का भरोसा रखते हैं। बट हाँ, जैसे आप बोलते हैं अगर वेस्ट नहीं है तो अगली गोली इनको नॉकआउट कर सकती है, बट मीन वैली शार्को को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया डेजा मुने। एंड एंटिटी गेमिंग जस्ट एंजॉयिंग द फ्री केयर, आईएनएस की कार्टून में स्काउट फुल गोलियां चला रहे हैं। ये आज का पहला दिन है हमारे पीएमसीओ का और ये आखिरी सर्कल है, इसके बाद एक और सर्कल बनेगा उसके बाद हम जाएंगे बिल्कुल। और यहाँ पे हाइड्रा के बीच में भी जाते हुए फार और एंटिटी गेमिंग गेम बनाती हुई, मगर वहां पे स्काउट खड़े होकर देख रहे हैं। अब ब्रिज के ऊपर एक लड़ाई है, ब्रिज के नीचे लड़ाई है, एलएफबी के मैगजीन यहां पे काफी ज्यादा दिक्कत में, स्नैक्स और एक प्लेयर बचा है जो रिवाइव कर आईएनडी जीत रही है। चाली आप में से कितने रुपयों की शर्त लगा रहे हो, 1 करोड़ 2 करोड़? मैं तो पहली बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रिज के ऊपर खड़े हैं ऑलरेडी, और जब सर्कल क्लोजिंग में होगा खाली वही हील कर पाएंगे। एनटीडी गेमिंग की साइड पर थोड़ा सर्कल रहता है तो वो भी शायद हील बैटल में जीत पाए, मगर जिस हिसाब से हालात लग रहे हैं, गोलियां चल रही है, एनटीडी गेमिंग को ज्यादा लड़ना पड़ रहा है कंपेयर टू आईएनडी, और आईएनडी के पास अब कोई लड़ने वाला बचा ही नहीं, क्योंकि जितने भी ये सारे वो नीचे हैं, तो नीचे दोनों के बीच में कशमकश चल रही है। मगर वहां पे डेजा वो आते हुए और बड़ा शानदार नॉकआउट किया यहां पे, और ये दिलजीत पाजी के लिए दिक्कत हो सकती है, और डेजा वो यहां पे सर्कल की मार ले रहे हैं मगर वहां पे नॉकआउट करने में कामयाब रहेंगे। क्रेटोस यहां पर जो है एनटीडी गेमिंग एक्सटेंस काफी ज्यादा दिक्कत में, और यहां जो देख रहे हैं हम ईविल का पूरा क्लैन बाहर होता हुआ, एनटीडी गेमिंग यहां पर खड़ी है और बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश, और एक कोशिश जो है काफी ज्यादा प्रयास सफल हो सकता है, मगर यहां पे रिवाइव किया जाएगा। मगर यहां पे क्या आईएनडी ड्रॉप डाउन करेगी, कर रहे हैं यहां पे ड्रॉप डाउन किया और यहां पे वाइट को भी नॉकआउट कर दिया, केवल मात्र मैगजीन खड़े अपने पैरों आउट को, क्या मुश्किल है। और इसी के साथ आखिरी गेम टीम आईएनडी ने अपने सेमी लिखा, 4v4 था जो स्काउट का गट्सी मूव था। ओ माय फ्रीकिंग गॉड, कितने शानदार तरीके से यहां पर दलजीत, स्काउट, क्रेटोस और ट्रांस ने पहले दिन का आखिरी गेम राज्यों की तरह जीता है, राज्यों की तरह। और बिल्कुल जो स्काउट ने जिस तरीके से